संगत पंडाल से बाहर हैं, आपसे प्रार्थना है जल्दी से आप मजलिस पंडाल में आकर बैठें जी, और जो बहन भाई यहाँ खड़े हैं कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। मोदी नगर जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोला है। सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गुरप्रीत जी दीवाने भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी गोपाल जी इंसान कल्याण नगर से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरे आया शुभ जन्म दिहाड़ा, चूमे पे आया आलम सारा, गूंजे तन तन दा नारा, खुशी है पंडारे दी, सबनू लख लख बधाई जन्म दिहाड़े दी, सबनू लख लख बधाई। सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गोपाल जी इंसान कल्याण नगर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु का जन्म दिन आ गया, सुनो संगते, प्यारे गुरु ने 84 से बचा लिया,
सुनो संगत देश छोड़ के अना गुरु अंतरयामी देश छोड़ के अना गुरु अंतरयामी हमें काल से छुड़ाने आ गया सुनो संगत सतगुरु का जन्म आ गया सुनो संगत काल जीवों को रहा भरमाए जी रूह रोए और कुरलाए जू रूह अरज गुजारे हे प्रभु तुम बचाले रूह अरज गुजारे हे प्रभु तुम बचाले है काल ने हमें फंसा लिया सुनो संगत सतगुर का जन्म दिन आ गया सुनो संगत गुरु रूहों की पुकार सुन आए जी इस धरत पे चरण टिकाए जी ब्लोस्तान में जलाल दार लिया अवतार ब्लोस्तान में जलाल दार लिया अवतार दुखी रूहों को अधिदार दिया सुनो संगत सतगुर का जन्म आ गया सुनो संगत छोड़ के हमारे लिए आए जी लिया चोला हम मानसदा पाए जी दिन रात समझाया मन माया से बचाया दिन रात समझाया मन माया से बचाया कैसे बताएं जो उपकार किया सुनो संगते सतगुर का जन्मदिन आ गया सुनो संगते जन्म चाहे हम पाए जी समता न जी प्यारे दास जाए बल्ले यारे शस्त नाम जी प्यार दास जाए बल्ले यारे लग चरणों में रहे प्रीत पिया सुनो संगत सतगुर का जन्म दिन आ गया सुनो संगत प्यारे गुरु ने चौरासी से बचा लिया सुनो संगत देश छोड़ के अनामी गुरु अंतरिया देश छोड़ के अनामी गुरु अंतरयामी हमें काल से छुड़ाने आ गया सुनो संगत सतगुर का जन्म दिन आ गया सुनो संगत धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा चारे पासे देखो जी बहार छाई है चारे पासे देखो जी बहार छाई है सच्चे सौदे वाली सच्चे सौदे वाली सच्ची सरकार आई है मात लोक विच धार अवतार आई है सच्चे सौदे वाली सच्चे सौदे वाली सच्ची सरकार आई है सच्चे सौदे वाली खुशियां ही खुशियां ने ढोल बजी दे कारी लोनी अखियो दीदार रज के दीदार रज के रब्बी जोत देन ली दीदार आई है सच्चे सौदे वाली सच्ची सरकार आई है सच्चे सौदे वाली पापियां नू
पापियां नूं नाम वाला रंग चाड़ दे बुरे कर्मां दे बही खाते साड़ दे बही खाते साड़ दे कर्मां दा पहाड़ कर दिंदे राई ऐ सच्चे सौदे वाली सच्ची सरकार आई है सच्चे सौदे वाली सच दा ही डंका बजाउण जग ते तर के करोड़ां लोकी लाड़ी लग के लाड़ी लग के बचन जिन्ना कीती नाम दी कमाई है सच्चे सौदे वाली सच्चे सौदे वाली सच्ची सरकार आई है सच्चे सौदे वाली नाओ रैन दुखी ना ही परेशान जी मिल गए जिन्हू दाता शासक नाम जी दाता शाह मस्तान जी नाम वाली दिंदे रूहानू दवाई है सच्चे सौदे वाली सच्चे सौदे वाली सच्ची सरकार आई है मात लोक विच मात लोक विच तारी अवतार आई है सच्चे सौदे वाली सच्चे सौदे वाली सच्ची सरकार आई है सच्चे सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी साजनवा जी प्यारी सत्संग जी सच्चे मुर्शिद कामिल के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में रखते हैं जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जो है सच्चा करतार सारे जग का पालनहार काया नगरी मेरे ता निराला कारीगर जो है सच्चा करता हैरत का उसने कैसा मंदिर बनाया मूर्ख बंदे तूने भेद न पाया दिन को करता मारो मार रात को सोए कोराटे मार काया नगरी में रहता निराला कारीगर रखना जी पाँव संभल के गिर ना तू जाए कहीं इसमें फिसल के रहना हो गए होशियार ना कर दुनिया साथ प्यार काया नगरी में रहता निराला कारीगर जो है सच्चा करता चोला उसने कैसा बनाया ऐ पापी बंदे तूने कदर न पाया हाथ से चली गई जब बार फिर तू रो मिटाई मार काया नगरी मेरे ता निराला कारीगर
पांच तत का एक पुतला बनाया, मैं का बीच पर्दा पग आप सिदाया, अपना छोड़ के तू अहंकार अंदर जाके कर दी तार, काया नगरी में रहता निरागरी गे। मालिक तेरे अंदर बेटा ख्याल न आया, जरा करके देख विचार अपने अंदर जाती मार, काया नगरी में रहता निराला कारीगर, जो है सच्चा करता सारे जग्गा पालना। संत फकीर सब अंदर बताते, बाहर जो ढूंढे उसे देख कर हंसते, पड़ी सदियों की है मात तो भी करता नहीं इतबार, काया नगरी में रहता निराला कारीगर। नाम जी कानू बटी बेट दड़ जी, मानस की पौड़ी मिल गई चढ़ना तो चढ़ जी, तेरा हो जाए बेड़ा पार करके सतगुरु साथ प्यार, आया नगरी में रहता निराला कारीगर, जो है सच्चा करता सारे जग का पालनहार, काया नगरी में रहता निराला कारीगर। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। तो अभी भजन में आया, जो है सच्चा करदार सारे जग का पालनहार, वो मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, जो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, वो एक ऐसा दाता रहबर है जो इस संसार का पालनहार है, कर्ण करावनहार है, जो कोई उससे भक्ति इबादत करता है उसका नाम दोनों जहां में अमर हो जाता है, यहां वो बहार की तरह जिंदगी जीता है और मरणोपरांत आवागमन से आजाद हो जाता है। धन्य ऐसी रूहें होती हैं जो मालिक से ओढ़ निभा जाती हैं, बहुत ऊंचे भाग्य होते हैं, बहुत ही खुद मुख्तियारी का फायदा उठाती हैं और हिम्मत के साथ मालिक के बताए रास्ते पे चलती चली जाती हैं। तो भाग्यशाली रूहें मालिक उन्हें अपनी दया में रहमत से नवाजता है, खुशियों से नवाजता है। तो इस काया नगरी शरीर में वो मालिक रहता है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, लेकिन उसी कण उसी जर्रे में हमारा शरीर भी हमारा वजूद भी आ जाता है। तो मालिक हर जगह होते हुए भी हमारे अंदर भी है, तो हमें अंदर से उसे पाना है। दुनिया में रखना जी पांव संभल के, पांव संभल के रखो, बड़ा ही फिसलनबाजी है, कोई पता नहीं कब फिसलन पे पांव टिके और आप फिसल जाओ। बचो अपने मन जालिम से, बचो मन माया से, बचो काम वासना क्रोध लो मोह अहंकार से, कोई पता नहीं कौन सा चोर कब आपको दगा दे जाए और अपने किए कराए पे पानी फेर ले, की कराई बंदगी को कब डुबो दे कुछ भरोसा नहीं। इसलिए मन माया से लड़ना चाहिए, सेवा सुमरण के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। हैरत का उसने कैसा मंदिर बनाया, मूर्ख बंदे तूने भेद न पाया, कमाल का यह शरीर बनाया है प्रभु ने, गजब का यह शरीर बनाया है और यह शरीर बना के इसी में वो समाया है। हर किसी को नजर नहीं आता, पर जो उसके लिए तड़फ के उसे बुलाता है तो वो फौरन चला आता है। इसलिए हे भक्तजनों, हे मालिक की मोहब्बत पे चलने वालों,
उसकी याद में तड़फ के देखो। दुनियावी साजो सामान के लिए आप तड़फे हैं, दुनियावी चीजों के लिए तड़फे हैं, ऐसी तड़फ कहीं अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए बना लो तो शायद इतनी तड़प बनते ही वो दर्श दीदार से माला माल कर दें, अंदर बाहर से निहाल कर दें। पर ऐसी तड़प मन जालिम नहीं लगने देता, माया नहीं लगने देती। सो अपने मन से लड़ो, माया से लड़ो। कहीं शास्त्र नाम जी कानू बट्टी बैठा दर्जी, मानस की पौड़ी मिल गई चढ़ना तो चढ़ जी, तेरा हो जाए पीड़ा पार करके सदगुरु साथ प्यार। बेबरवाज ने भजन के आखिर में फरमाया कि बड़ा मौका है भाई, सुनहरी अवसर है, मालिक का नाम जब मनुष्य शरीर मिला है, सुबह शाम सुमन किया कर, चलते फिरते सुमन किया कर, मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाएगा, उसकी कृपा दृष्टि से तेरा दामन भर जाएगा, अंदर बाहर ऐसा रहमो करम बरसेगा कि खुशियों से माला माल हो जाएगा, मालिक रहमो करम से आपको जरूर नवाज देंगे। सो बेड़ा पार हो जाएगा, यहां आवागमन से आजादी मिल जाएगी और दुख दर्द परेशानियों से भी मुक्ति जरूर हासिल होगी। सो सुमरण करो, सेवा करो तो मालिक दया में रहमत से नवाज देते हैं। बर्मिंघम यूके से बात करना चाहते हैं, बोलो बेटा बात करो। हाँ बोलो। पिताजी आपकी की बेटी प्रकाश कौर इंसा यूके बर्मिंघम से बोल रही हूँ जी। जी पिताजी आप जी नू ते पूरी सात संगत नू बेपरवाह मस्ताना जी महाराज जी दे पावन जन्मां दी लख लख बधाई होवे जी। जी आशीर्वाद आपको बेटा। जी पिताजी, जी पिताजी मेनू इत्थे आए 14 महीने हो चुके हैं हुण तक, और मैं जदों आई थी मेनू काम मिल गया सी, और उसके बाद मेरा काम छुट गया और कॉन्ट्रैक्ट ते काम सीगा, किसी भी केयर करनी थी, पर पिता जी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया थी उसके हिसाब नाल महीने की 1200 पाउंड पेमेंट बनती थी, पर मेनू 200 पाउंड दिता जाता सी, पर फिर भी इत्थे काम मिलना बहुत औखा है, इस करके मैं काम करती रही और मैं 6 महीने काम किया, पर प्रॉब्लम ज्यादा हो जान करके मैं काम छड्ड दिता, और पिता जी हुण 8 महीने हो गए हैं, मैं जदों भी किसी काम च हाथ पानी है तो काम पिछे नू जांदा है, कोई काम पूरा नहीं हो रहा, मेरा कॉलेज भी फर्जी सीगा जिदे कारण मैंने छड्डना पिया और मेरी पिछली फीस भी खराब गई, और मैं हुण फिर दोबारा नवा कॉलेज लेके फीस भरी है। पिता जी उन्हें आशीर्वाद दो। जी बेटा आशीर्वाद, सुमण करो, मेहनत करो, मालिक जरूर साथ देवेगा बेटा। पिता जी मैं बहुत जनिया नु काम दा किया पर किसी ने मदद नहीं कीती, हुण पिता जी मैं थोड़े ते छड़ दी कि काम तुसी लभना है ते तुसी दवाना है, जो करना तुसी करना है। बेटा मालिक साथ देने वाला है, इसका खाकसर हां, मेहनत तुहानू करनी पड़ेगी बेटा, हिम्मत मरदा मत देखो दा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, आप मेहनत करो हिम्मत करो बेटा तो मालिक जरूर रास्ता दिखाएंगे। रिश्ते नाते सब टूट गए सिर्फ इस करके क्योंकि पापा दी एक गवर्नमेंट जॉब थी और पैसा मिलिया, तो चाहते सी कि परिवार चो कोई एक हिस्सेदार बन जाए उस प्रॉपर्टी का, और अंतिम दाह संस्कार भी मैं खुद किया क्योंकि उन्होंने मेनु बेटा किया, इस करके सारे रिश्ते नाते टूट गए, कोई साथ नहीं दिंदा। बेटा सुमन करो, तुहानू दस्सिया अमल करो बेटा, मालिक जरूर साथ देवेगा, घबराओ ना। पिता जी मैं कुछ बनाया नहीं पर सब्जी पई है, मैं चाहूंगी कि तुसी इहनू प्रसाद बनाओ, आशीर्वाद दो पिता जी। जी बेटा कोई गल नहीं, आशीर्वाद प्रसाद बन गया बेटा, ले लो, मालिक की दुआ कर दे बेटा, आशीर्वाद। जी पिता जी सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। और देश विदेश में सत्संग अपना काम धंधा करते हुए 516 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1124 लाइव वीडियो कनेक्शनों के द्वारा हजारों की तादाद में सत्संग लाइव देख रही सुन रही हमें नजर आ रही है जी।
लाइव मैसेज है कुछ अमन इंसान साउथ वाले यूके प्यारे पिताजी मेरे एमबीए के एग्जाम शुरू होने वाले सब तक आशीर्वाद बेटा। मधु इंसान न्यूयॉर्क यूएसए से प्यारे पिता तीन नंबर को ड्राइविंग का रोड टेस्ट है जी, हम सब लोगों ने कहा आशीर्वाद चाहती हूँ पूरा कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए आशीर्वाद बेटा। कमलजीत कौर एडमिंटन कनाडा बेपरा श्याम सराज महाराज के पावन जन्मदिन की खुशी में दिंदु के मध्य में बैंक में 10,000 रुपए जमा कराने आशीर्वाद। घरों में खुशियां हो, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सिमरन में मन लगे आशीर्वाद बेटा। विदेशों से आए खुशी इंसान मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से खड़े हो जाएं बेटा। नरेंद्र इंसान बहरीन जाना है, जसवीर इंसान अबू धाबी, तो सबको आशीर्वाद बेटा। मालिक खुशी बख्शे, प्रसाद लेना और बचनों में पक्के रहना, सुमरण करते रहना, मालिक साथ है बेटा। गुरु सर मोड़िया में सेवादर भाई बहने सेवा कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद, पूरा लगन से सेवा करो, मालिक रहमो करम से न बाचे। शादी वाले परिवार आए हैं जी, दिंदु के मध्य में बैंक में 7,770 रुपए जमा करवा रहे हैं आशीर्वाद। लड़का लड़की से दोनों परिवार के 14 मेंबर मरणोपराध आंखें दान का लिखित में पन कर रहे हैं, आंखें दान महादान बहुत बड़ी बात है आशीर्वाद बेटा। लड़के का नाम गुरजीत, इन संपुत्र ओम प्रकाश, इन संजी के निवासी सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़के का नाम प्रीति, इन संपुत्री राजू, इन संजी के निवासी वजीराबाद दिल्ली के। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। और प्यारी सास संग जी, आपने देखा ये दोनों बच्चे शास्त्रा में गिरने से पहले फिर फोर्स विंग के मेंबर हैं जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। सो शादी वाले परिवार दिन दुखी मद करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बड़े, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। शास्त्रा में गिरने से पहले फिर फोर्स विंग का प्रसाद लेना, एक बहन ने खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ बेटा आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना आशीर्वाद। बठिंडा से एक जोड़ी आंखें लेकर आए नेत्रदानी प्रवीण कुमार, आंखें दान महादान, मालिक खुशी बख्शे, प्रसाद लेना भाई जिन्होंने आंखें दान के उनके परिवारों को प्रसाद देना, मालिक दिया मेरे रहमत से नवाजे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। भजन मंडली के सदस्य पावन जन्मदिन की खुशी में दिंदु के मध्य बैंक में 7,770 रुपए जमा करवा रहे हैं। कुछ 7 भाई बहन दिंदु के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, वो भी खड़े हो जाएं। तो आपके परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं और सबको आशीर्वाद कहते हैं। बैठ जाइए बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। घर जाने की आगे लेनी है, 4 भाई बहन श्री गुरु सरमोड़िया में 7 से 39 दिन की सेवा करके आए आशीर्वाद बेटा। सारे परिवारों को आशीर्वाद, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के आपके घरों में मालिक बख्शे आशीर्वाद। बीमार में बीमारों के लिए प्रसाद लेकर जाना, मालिक से प्रार्थना निधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। ये प्रसाद लेना बीमारों ने, जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना, कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते करने वाला मालिक है। यहाँ जो हॉस्पिटल है गरीबों का इलाज संघ की तरफ से फ्री होता है, वहां 50 नंबर में मिल लीजिए। 3 बचनों में जिनसे पहली बार गलती हुई जल्दी से खड़े हो जाओ, 3 परहेजों में जिनसे गलती हुई है पहली बार वो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो, जल्दी खड़े हो जाओ, आपको माफी दिलवानी है। हाथ आपकी तरफ आए उससे पहले पहले खड़े होना, बाद में खड़े होने का कोई फायदा नहीं, खड़े हो जाओ जल्दी से आशीर्वाद आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाओ। हाँ मालिक माफ करने वाला है, आइंदा गलती ना करना भाई, अनजाने में खाने पीने की गलती होगी, संगत बैठी बैठी वो नारा बोल दे उनको माफ है जी। नाम में 2 बार बेटे प्रसाद खराब हुआ, खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, नारा लगाया तो पूरा नहीं किया, झूठी बात के लिए नारा लगाया, स्वरूप टूट गया, निंदा की सपने में वो बचन नहीं माने, दूसरों की कमियां देखी, दूसरे का जाम आंखों में डाला, भ्रूण हत्या करवाई, दर्शन होते थे बता दिए, नाम शब्द बोला, मनमुखी परिवार में शादी की, किसी को गलत बोले, सेवा पर नहीं आई, बीमारी वाला प्रसाद बच्चे को खिलाया, लॉकेट गुम हुआ, प्रसाद गिर गया, दूसरे पर माफी लेनी है, 2 महीने सुमन किया रामाश्रव प्रेम चंद, तीसरी बार लेनी, 3 महीने सुमन लगातार सुमन करो भाई, नारा लगाओ लगातार सुमन करोगे तो मालिक माफ कर देंगे। भूत प्रेत वाले जो कहते हैं हमारे अंदर भूत प्रेत ऊपरी भराई जिन चुड़ैला, जल्दी से खड़े हो जाओ, अपनी जगह पे खड़े होना है, बोलना नहीं, चुपचाप खड़े रहना, तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, खड़े रहेगे तो भूत रह सकता है, बैठो। हाँ तो आपका भरम भूत भगा दिया, आपके अंदर कोई भूत बात नहीं है, सुमरण करना, बीमारी वाला प्रसाद लेना और अपने यहां डॉक्टर से दवाई ले लेना। सेवा का प्रसाद जो सुबह 6 से रात के 8 बजे तक और सर से रात सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं।
मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। यूथ वीरांगने बहनों ने नशे भ्रूण हत्या वैश्यवर्ती समलिंगता के खिलाफ तथा सुख दुआ समाज के उत्थान के लिए पिछले चार दिनों में रायसेन, चंद्रपुर व धनौरा मध्य प्रदेश, सिकंदराबाद यूपी व कोटा राजस्थान में कुल 19 रैलियां निकाली हैं, जिन रैलियों के लोग बहुत प्रभावित थे और ऐसी रैलियां करते हैं। मालिक आपको खुशियां बख्शे, घरों में खुशियां हो, मालिक रहमो करम से नवाजे। शाबाश बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। नेत्रदान महादान ब्लाक हिसार, ब्लाक हिसार के सेवादार भाई एक जोड़ी आंख लेकर आए हैं जी। नेत्रदान करने वाले का नाम बिरामा भाई, ब्लाक हिसार से है जी। सो नेत्रदान महादान बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, अपने परिवारों के लिए प्रसाद लेना, जो नेत्रदान किया उनको भी प्रसाद देना, मालिक खुशियां बख्शे आशीर्वाद। और एक कार्ड इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है जी, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। पूज्य पिताजी, दिल्ली में जो बिल्डिंग गिरी थी उसके बारे में एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। हाँ दिखा दीजिए भाई, बिल्डिंग कोई गिरी थी वहां पे सेवादारों ने सेवा की है तो हाँ जी दिखाइए। सत्संग जी आप देख लें, देश की राजधानी दिल्ली में भरभरा कर गिर पड़ी 5 मंजिला इमारत, घरों में बैठे लोगों को पल भर में मौत ने अपने आगोश में ले लिया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लक्ष्मी नगर हादसे में अब तक 67 की मौत, दिल्ली में शवों के ढेर पर भी सियासत। बिल्डिंग डिजास्टर इन दिल्ली, पहले बताएं कि बिल्डिंग ऐसी जगह पर बनी है जहां आपदा की घड़ी में राहत पहुंचाना भी मुश्किल है। फिलहाल बताया जा रहा है मालिक तो फरार है। मौत और जिंदगी के बीच जंग जारी थी, लोग हक्का बक्का रह गए, समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो करें तो क्या करें। ऐसे आफत में राहत बनकर पहुंची डेरा सच्चा सौदा की फौज। हिम्मत करके उठे कदम है, हिम्मत करके उठे कदम है, हमको बढ़ते जाना, हमको बढ़ते जाना। जहां भी आफत बने मुसीबत, जहां भी आफत बने मुसीबत, राहत है बरसाना, राहत है बरसाना, हमको बढ़ते जाना, राहत है बरसाना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जोर शोर से चल रहा है, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के जवान वचन सिंह इंसा साथ में हमारे खड़े हैं। अभी डेरा सच्चा सौदे से आए, जो मलबे में दबे थे वो पुकार रहे थे, उनकी आवाज को सुनने के लिए सेवादारों ने जमीन पर लगा दिए अपने कान, और फिर क्या, मौत के मुंह से छीन लाए जिंदगी। हमने वहां नीचे कान लगा लगा के सुना, कुछ ने आवाज दी थी हमको, हमने कहा अभी तो आ रहे हैं हम निकलवाएंगे, हमने उतर से कटर मारा फिर वो निकलवाया उनको, काफी जिंदे भी निकाले थे हम। गम साझा कर जीना हमको, गम साझा कर जीना हमको, अश्क पहुंचते जाना, अश्क पहुंचते जाना, हिम्मत करके उठे कदम है, हमको बढ़ते जाना, हमको बढ़ते जाना, राहत है बरसाना, हमको बढ़ते जाना, राहत है बरसाना। आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, हालांकि काफी दिक्कतें आ रही हैं वहां पर, क्योंकि इलाका संकरा है तो एम्बुलेंस वहां पर मुश्किल ही पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिशें पूरी की जा रही हैं ताकि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए और जो लोग नीचे फंसे हैं उनको निकाला जाए। मृतकों की संख्या बढ़कर हो गई है 60, 80 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और ना जाने कितने लोग ऐसे हैं, आशंका जताई जा रही, जो इस मलबे के नीचे अब भी फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का काम लगातार चल रहा है। तो नींव कमजोर थी इस इमारत की, पानी भरा हुआ था, अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया था, इसे बनाया गया था, ये सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं इस इमारत के, 5 मंजिला इमारत के गिरने के पीछे। नींव है कि नहीं अधिका, जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बचाव कार्य कल रात से ही जो जारी हुआ था वो अभी तक चल रहा है, अभी भी काफी मलबे का काफी हिस्सा मौजूद है वहाँ पर जिसे हटाने की कोशिश चल रही है। हमारे साथ एक स्वयं सेवी जो कल रात से यहाँ पर काम कर रहे थे, उस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे थे, वचन सिंह इंसा साथ में हमारे खड़े हैं। कितना मलबा अभी भी बाकी है और क्या कुछ लोग दबे हुए अभी? अभी 2 मंजिल का मलबा और रहता है जी, और बहुत बंदे अभी हैं इसमें, 25-30 तो हमने निकाले अपने हाथों से, पूरी रात से हम लगे हुए हैं।
अभी डेरे सच्चे सौदे से आए, कितने लोग बताए जा रहे हैं और भी दबे हुए हैं और कैसे उनको निकाला जा रहा है? निकालने की पूरी कोशिश करी जा रही है, काट रहे हैं, कटर ले रखे हैं और पूरा काम कर रहे हैं। अपने संस्था भी है और सरकार भी लगी हुई है। अभी क्या उम्मीद है कि जो लोग दबे हुए हैं जिनकी संख्या 40 से ऊपर लगभग 50 लोग बताए जा रहे हैं, 50-60 लोग हैं अभी? अच्छा, वो क्या उनके बचने की कोई उम्मीद है? कुछ उम्मीद है, बहुत कम उम्मीद है जी। अच्छा, इतने बुरी तरह से दबे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से। अभी क्या उम्मीद की जा रही है, कितनी देर में पूरा मलबा हटा लिया जाएगा? मलबा तो शाम तक ही हटेगा जी, इतनी जल्दी से नहीं हट जाएगा। अच्छा, जिस तरह से बताया जा रहा था कि बेसमेंट में एक आइसक्रीम फैक्ट्री चलती थी जिसमें काफी लोग काम कर रहे थे उस वक्त, जिस वक्त हादसा हुआ, तो क्या कुछ आहट कुछ इस तरह की चीजें कुछ मिल पा रही है वहां? मैं वहां नीचे कान लगा लगा के सुना, कुछ ने आवाज दी थी हमको, हमने कहा अभी तो आ रहे हैं हम निकलवाएंगे, हमने उतर से कटर मारा फिर वो निकलवाया उनको, काफी जिंदे भी निकाले थे। बिल्कुल, एक अच्छी खबर आई है राधिका, एक अच्छी खबर इस समय आई है। यहाँ पर जो बचाव कर्मी मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कान लगा के सुना, कुछ आहटें नीचे से सुनाई पड़ी थी, उन्होंने साफ तौर पर उन आहटों का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम आप तक आ रहे हैं, हम आपको बचाएंगे, हम आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों को निकालने की कोशिश अभी तक की जा रही है। इस हादसे के बाद अचानक ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, जो लोग जिनके रिश्तेदार, किसी का बेटा, किसी का चाचा, जो बिल्डिंग के अंदर थे, जो फंसे हुए थे, वो बाहर किस तरह से उनको ढूंढ रहे थे, आपको सुनवाते हैं क्या है उनका कहना। इसमें मेरा दोशाला था, दोशाला का दो बहू, एक साली, साली की दो लड़की एक लड़का, मेरे बच्चे और मेरे बीबी, उनको अभी तक मिला ही नहीं। ये सुबह की तस्वीरें हैं, 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं इस बिल्डिंग को गिरे हुए, मलबा अभी भी वहां पड़ा है जिसको हटाने का काम चल रहा है और इस मलबे के नीचे अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है। दिल्ली में आई इस मुसीबत पर मरहम बन गए डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की सेवा पूरी दुनिया ने मीडिया की नजर से देखी। संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के वचन पर मर मिटने वाले इन दीवानों की दीवानगी पूरी दुनिया देख दंग रह गई। हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़ रहे हैं दिल्ली 25 मेंबर कमल इंसा जी। कमल इंसा जी, बताइए कि कल क्या स्थिति थी और आपको कैसे खबर हुई कि इतनी बड़ी आफत दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आ गई है? हमें न्यूज के माध्यम से सारा पता चला और हम करीब 10:30 बजे अपने सेवादारों से कांटेक्ट करके वहां पर पहुंच गए थे जी। और सिचुएशन जो थी वहां की बहुत भयानक थी। हमारे पहुंचने से पहले करीब 30 टैगोरियां निकाली जा चुकी थी और उस टाइम तक जो पब्लिक कर सकती थी करीब, जैसे ही हम ग्रीन एक्सपोर्ट पहुंचे तो पुलिस वालों ने बाकी पब्लिक को सब पीछे हटा दिया और ग्रीन एक्सपोर्ट उसमें अपने काम में जुट गई। कितने लोग थे जी, कितने लोग हमारे पहुंचे और किस तरह वहां पे औजार हथियार भी नहीं थे, फिर किस तरह काम किया हमने? हम लोगों ने अपने हथियार अपने डेरे से मंगाए, शादरा डेरा अपना नजदीक है वहां पे जी, वहां से कश्तियां, अपने फावड़े, अपने हथौड़े, अपना अरेंजमेंट कराया अपने वहां पे जी। और हमारे आदमी रात को 350 से 400 आदमी मिलकर इनके साथ थे और बाकी 100 से 150 आदमी हमारे ड्रेस में, जो पुलिस ने उसको एंटर नहीं होने दिया वहां पे उस टाइम जी, क्योंकि ज्यादा पब्लिक भी थी, उसको पता नहीं था कि ये अंदर सेवा के लिए आए कैसे आए हैं जी। और रात को पूरी रात हमने काम किया, प्रशासन का कोई आदमी रात को हमारे साथ नहीं था। अच्छा, कितनी डेड बॉडियां हमने निकाली हैं जी, कितने लोगों को हम जिंदा बचा पाए हैं? हमने 5 से 6 आदमी जिंदा बचाए हैं उसमें और करीब अपने हाथों से 42 से 43 डेड बॉडियां निकाली हैं। सेवादार सेवा में लगे थे और काल बादल बन मंडराने लगा, पर जिनका रिश्ता सच्चे मुर्शिद से जुड़ा हो उसकी राह में भला काल भी रोड़ा कैसे बन सकता था। ऐसा ही चमत्कार लक्ष्मी नगर के ललिता पार्क में भी हुआ। भाई एक चमत्कार वहां और हुआ जी, जब कल 3-4 बजे के आसपास हम सेवा कर रहे थे तो बारिश शुरू हुई, तो हमने सोचा कि बारिश रात कार्य में हमारे बाधा बन रही है बहुत ज्यादा, तो हम मैंने सबको कहा लगा कि बारिश आ गई तो सबने जोर से नारा लगाना है प्रदेश अरदास करने की बारिश बंद हो जाए जी। और जैसे ही साथ संगत ने नारा लगाया जोर से, तो पिछले की जरूरत थी कि 2 मिनट के अंदर जो बारिश, बादल इतने ज्यादा थे और बारिश पूरी लग रहा था कि भी ज्यादा आएगी, बारिश बंद होगी उसी टाइम। और दूसरी बात और थी कि भी सामान हमने जो हमें वहां से मिला
जैसे बहुत सारे मोबाइल थे, बहुत सारा सोने का सामान था, कुछ पैसे थे, लोगों के कागजात थे, और जैसे हमने सारा इकट्ठा किया और कल हमने डीसीपी साहब के सामने और एसएचओ के सामने वो जमा कराया जी, तो उन्होंने जो तारीफ की है, क्योंकि काफी उसमें सोना था, मेरे ख्याल से 200 से 250 ग्राम सोना था उसमें, और कुछ पैसे थे, 25-30 मोबाइल फोन थे और डॉक्यूमेंट्स थे लोगों के, और वो जमा कराया, तो उन्होंने इतनी तारीफ की हम लोगों की और कहा कि भाई कमाल है आप लोगों का जज्बा। तो हमने कहा, मैं कहा सर अगर हमें यहाँ से 1 करोड़ रुपए भी कैश भी मिलता तो वो यहाँ एक एक चीज जमा होती। कहते क्या आप सभी इतने ईमानदार हैं? मैंने कहा जी हम तो अपनी गारंटी लेते हैं और हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रेस पहन रखी है वो हमसे भी ज्यादा ईमानदार होगी। तो मैंने कहा जी ये हमारे गुरुजी ने हमें यही शिक्षा दी है कि बेटा आप जिसकी सेवा करोगे मालिक आपको खाली नहीं छोड़ सकता। कमलदीप जी, ये भी सुनने में आया है कि आप लोगों ने एक तरफ तो टीम बना रखी थी वहां मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए, और दूसरी तरफ अस्पतालों में भी टीम भेज रखी थी जो लोगों को खून दे रहे थे, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? कल मैंने 3 बजे के करीब मीटिंग लेने के बाद जैसे पता चला कि ब्लड की रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल से आई है, तो 30 बंदे वहां पे टीम गई थी ब्लड देने के लिए, 30 यूनिट की डिमांड थी, 30 के 30 यूनिट हमने डेरा सत्ता सौदा ने किया, और आज भी जैसे कार्य खत्म हुआ तो आज सुबह भी हॉस्पिटल्स में अपनी टीम गई हुई है प्रॉपर तरीके से उनके फरूक लेके उनके लिए खाद सामग्री लेके। तो क्या आप ये कहते हैं दिल्ली की जनता को कि जो भी घायल है आप खून के एक भी बूंद की कमी नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे जी, ये तो पहले से है कि अपने दिल्ली में इतना मेरे ख्याल से 50-60 यूनिट ब्लड की डेली हम आपूर्ति करते हैं हॉस्पिटल्स को भी, और डेंगू में भी अभी इतना डेंगू फैला हुआ था महामारी की तरह, फिर भी पिताजी की मेयर से काम करने वाला तो सदगुरु है, किसी को कमी नहीं होने देते। कमल जी, हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, बस यही है मालिका हमें इस रास्ते पे चलाए रखे और सेवा भावना बख्शे रखे और सदगुरु बस सबसे बड़ा होकर अपने चरणों से लगाए रखे। अपनी जान पर खेल दूसरों की जान बचाने को मशहूर डेरा सच्चा सौदा ग्रीन वेलफेयर फोर्स के जवानों ने एक बार फिर मानवता के नाम खुद को समर्पित कर दिया और मौत के मुंह से छीन लाए जिंदगी। कुछ जाबाजों ने अपनी जान पर खेलकर कई मासूमों को दूसरी जिंदगी दी। मदद के लिए उठे इन हाथों को लाइव इंडिया दिल से सलाम करता है। इंसान की ये खोज बनी है, इंसान की ये खोज बनी है, इंसान ही के काम है आना, इंसान ही के काम है आना, सूखे से लड़ना है सीखा, नदियों से भिड़ जाना, नदियों से भिड़ जाना, हमको बढ़ते जाना, राहत है बरसा। तो यही तो है ना बेटा, भगवान की यही तो कुदरत, जब सारा मकान गिर गया वो कोई नहीं बेटा, घबरा नहीं, भगवान ही दिल देने वाला। दुख तो आता है बेटा, दुख आता है, और कितने कितने राजा आए, फकीर आए, संत आए, योद्धा सब चले गए दुनिया छोड़ के, कोई रुकता नहीं इधर हमेशा, क्योंकि भगवान के कानून को संत भी नहीं बदलते, वो वैसे ही रखते हैं। घबरा नहीं बेटा, धीरे जाएगा, ताकत आएगी, भगवान देगा ताकत, जरूर ताकत आएगी बेटा। दुख में भगवान का नाम सबसे बड़ी दवा है, रसायन है सबसे बड़ी। हमको बढ़ते जाना, तो मालिक की प्यारी ईसा संघ जी और शास्त्र राम जी गिनेस ब्रेफर फोर्स विंग जो सेवादार हैं, तभी हम सब सेवादारों को कहते हैं, सेवादार तो लगभग 1-2 लाख के करीब हैं, लेकिन शास्त्र राम जी गिनेस ब्रेफर फोर्स विंग में 35,000 के करीब लगभग सेवादार हो चुके हैं। तो बाकी सेवादारों से भी हम हमेशा यही गुजारिश करते हैं कि आप वो वर्दी पहने जिसमें सदगुरु का नाम हो, एक फकर आता है, एक खुशी आती है, और ये जिंदगी बचाना यही सबसे बड़ी बात है। कोई उनको वाह-वाह कहे ना कहे, कोई शाबाशी दे ना दे, कोई शाबाशी का भूखा सेवा नहीं करता। आपने देखा कितने तन मन धन से वो लगे हुए हैं, पैसा भी उठाया, कितना सोना उठाया, लेकिन सारे का सारा जमा करवा दिया। ऐसे मौकों पे गिद्ध, मानव गिद्ध बहुत घूमते हैं, क्योंकि सब लोग तो ऐसे मर गए बेचारे, कोई दब गए, तो मानव गिद्ध हमने गुजरात में देखे, उड़ीसा में देखे, उड़ीसा में बाढ़ थी, बताया सेवादारों ने, एक आदमी तैर के जा रहा था, हमने सोचा किसी को जान बचाने गया है, तो देखा उसके हाथ में छुरा था,
और यहाँ पे एक कड़ला होता है चांदी का मोटा सा, उसने छुरे से हाथ काटा, लाश का कड़ा निकाल के वापिस आ गए। सो कहने का मतलब मानव गिद्ध ऐसे गुजरात में लूटा खूब वो बच्चारों को, मालिक कई गुना जोश बख्शे, सेवा अच्छे नेक कामों में और दृढ़ता से बढ़ेंगे तभी ये कलयुग में सतयुग का अवतार होगा, मालिक की खुशियां फैलेंगी चारों तरफ। सो मालिक से दुआ करते हैं इसी तरह आप लोग आगे बढ़े, सेवा सिमरन घरों में बैठे बैठाए सबको आपको मिले, सेवा वालों को तो बढ़ चढ़ के खुशियां मालिक बख्शे, झोलियां भरे दरगाह में, मालिक रहमत करे उन लोगों पे आशीर्वाद। बाकी प्यारी सत्संग जियो, इस तरह की डॉक्यूमेंट्री अगर पूरी बना दी जाए, मिश्रा जी ने बनाई, जिन लोगों ने भी इसमें हिम्मत की साथ दिया है, तो आप मिलजुल के घंटा डेढ़ घंटे की भी बनाए, क्योंकि यहाँ अपने एक्टिविटीज हॉल जो बन रहा है तो उसमें भी फिल्म के रूप में संगत को दिखाया जा सकता है, सीडी रिलीज कर सकते हैं, तो आप इसको पूरा अच्छी तरीके से उड़ीसा से लेके सारा एक टॉपिक वैसे पहले शायद बना है, तो फिर भी थोड़े में ताकि लोग ज्यादा देख सकें जी, उसे और तरीके से भी बनाइए। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लीजिएगा, बाकी सत्संग प्रसाद पहन शादी कपड़े बचे कपड़े गाड़ी की चाबी मकान की चाबी लेके आए हैं तो बैठे बैठे ऊपर कर लीजिए। सबको आशीर्वाद, अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद, विवाह शादी सुख सुविधा संपन्न हो और मालिक घरों में खुशियां बख्शे, प्रसाद बन के आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लीजिए। तो अब थोड़ा सा समय स्त्री प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, फिर जैसा आपका ख्याल, जाने का समय साधन के अनुसार जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय स्त्री प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सज रहना है जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। और शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल और कॉलेज के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उन